फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। दोस्तों, आज मंगलवार के दिन आपको एक छोटी सी उपाय बता रही हूँ, बिल्कुल एक छोटा सा उपाय आपको करना है। और आपके सालों से अगर कोई भी काम अटका पड़ा है, फंसा हुआ पड़ा है, तो ये करने से आज के दिन आपका फंसा हुआ काम बहुत जल्दी निकल जाता है। अगर आपको लगता है कि मेहनत करने के बावजूद भी आपको नहीं मिल रहे हैं आपके काम के फ्रूट्स, आपको लगता है कि बहुत कुछ आप धन कमा रहे हैं पर बरकत नहीं हो रही है घर में, आप देख रहे हैं कि जितना पैसा आता है कहीं ना कहीं से साइड से निकल जाता है और पॉकेट फिर खाली हो जाती है, बहुत सारी ऐसी आर्थिक तंगियां या बहुत सारी मुसीबतें, शत्रुता, बिना बात के आपके शत्रु हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ जो आज आपको कर लेना है। दोस्तों, इस एक छोटे से उपाय से माना जाता है सभी प्रकार की आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। एक छोटी सी इलायची आज के दिन आपको माना जाता है आपकी सारी विघ्न को हटा देती है जीवन से। सालों से आपका कोई भी फंसा हुआ काम हो वो हट जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत में इलायची का प्रयोग चला आ रहा है और इलायची एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ना तो हमारा किचन पूरा होता है, ना ही पूजा पाठ पूरा होता है। चाहे वो मसाले हो, चाहे मिठाई हो, हर घर में, एटलीस्ट भारत में तो हर घर में इलायची मिलनी ही मिलनी है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार इलायची से ऐसे तांत्रिक उपाय किए जाते हैं, अचूक और बिल्कुल सरल सरल उपाय होते हैं जो हमारे जीवन में सुख और संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। इलायची का उपयोग बहुत वास्ट रूप में होता है काले जादू में। काले जादू में इलायची बहुत बड़ा टोटका मानी जाती है। इलायची के इतने तरह के टोटके होते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मंगलवार यानी आज के दिन एक छोटा सा टोटका कर लेना है, आपको सिर्फ एक इलायची जलानी है और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, कैसे जलाना है मैं आपको बताती हूँ। इलायची के माध्यम से आप आसानी से धनवान बन सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि धन का आपके घर पे आगमन हो जाए तो आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है दोस्तों, पर मनुष्य के बड़े बड़े काम सिद्ध कर देती है। खाने में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी चमत्कार करती है। आपको क्या करना है, एक इलायची ले करके सुबह सुबह, अभी सुबह का ये टाइम है, अगर आप सुबह मिस कर जा रहे हैं ये वीडियो तो आप शाम के वक्त भी कर सकते हैं। सुबह रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अपने मेन गेट पर एक इलायची रखाएं। इलायची रखते समय ये बात आपको ध्यान रखना है कि वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से कोई उसको उठाए नहीं। अब आप शाम को ये इलायची को अपने घर के बाहर ही किसी सिकोरी में रख लें, किसी कटोरी में रख लें और शाम को इसको बाहर, घर के अंदर वापस नहीं लाना है, इसको शाम को जला देना है। अगर आपने शाम को रखा है तो कम से कम 6-7 घंटा रहने दें, रात में फिर आप उसको जलाएं। ऐसा माना जाता है दोस्तों, इस उपाय के माध्यम से आपका बरसों पुराना अटका हुआ कार्य होता है वो भी आश्चर्यजनक रूप से बन पड़ता है। दोस्तों, ऐसे में आपका किसी को आपने अगर कर्जा दिया है, धन दिया है, तो वो भी माना जाता है वो मनुष्य आपका सारा धन लौटा देता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन आप एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है कोई भी काम में, बनते बनते आपका कोई भी काम बिगड़ जाता है, आप जितनी भी मेहनत कर ले उसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा है, तो माता दुर्गा की तस्वीर के आगे आपको एक छोटा सा काम करना है। एक इलायची ले लें और उसको किसी भी मिट्टी के बर्तन में आप रख दें, या आप कोई मिट्टी का सिकोरा भी ले सकते हैं, कोई कटोरी ले सकते हैं और उसमें ये इलायची आपको रख करके जला देनी है। दोस्तों, माना जाता है कि मनोकामना पूर्ति के लिए इससे खूबसूरत और आसान उपाय होता ही नहीं है। अगर आप चाहें तो उसमें 2 कपूर और 2 लौंग भी ऐड कर सकते हैं और फिर कीजिए ये काम। दोस्तों, देखिए कैसे आपकी सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मंगलवार के दिन आप एक और बहुत छोटा सा काम है वो आप कर सकते हैं।
मंगलवार को आपको लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रोली ले लें और उसे लाल कपड़े में बांध कर एक हफ्ते के लिए मंदिर में रख दें। रोजाना उसकी पूजा करनी है आपको और एक सप्ताह बाद इसे घर की तिजोरी, दुकान या लॉकर में रखने से धीरे धीरे धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। दोस्तों, मंगलवार को लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल और रोली ले लें, उसमें दो इलायची ले लें, उसे आप एक लाल कपड़े में बांधकर फिर आप किसी बाहर के मंदिर में भी चाहें तो रख के आ सकते हैं। एक हफ्ते बाद वहाँ से वो दो इलायची लेकर के वहीं की वहीं जला दें और वो जो लाल कपड़े में आपने बांधा है, बाकी सारा सामान अपनी तिजोरी में, अगर दुकान है आपकी तो वहाँ ला करके अपने लॉकर में रख लें, धीरे धीरे धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। दोस्तों, ये तो वे आपको मंगलवार को करने के उपाय। इसके अलावा भी अगर आपका शुक्र कमज़ोर है या ख़राब असर दे रहा है तो एक लोटा जल ले लें, उसमें दो बड़ी इलायची डाल लें, पूरे पानी को आधा होने तक आपको उबालना है, फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिला करके स्नान करना है। स्नान करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखें दोस्तों, और वाहन से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे गाड़ी आए आदि आए तो भी इन मामलों में ये उपाय बहुत ही लाभकारी हो जाता है। दोस्तों, नहाते समय आपको पवित्रता पूर्वक एक छोटे से मंत्र का जप करना है, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, इस उपाय से सभी प्रकार के रोग, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के शोक हैं तो भी उनका निवारण हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो ये प्रयोग आपको कोई भी गुरुवार को करना है। ऐसा करने से माना जाता है विवाह के योग बहुत शीघ्र ही बनने लगते हैं। किसी भी मंदिर में गुरुवार की शाम को आपको दो हरी इलायची के साथ पांच प्रकार की मिठाई लेनी है और शुद्ध घी के दिए के साथ जल अर्पित करना है। यदि स्त्री हैं तो पीले रंग से आप गुरुवार के दिन पूजन करें और पुरुष हैं तो ये उपाय आपको शुक्रवार को करना है और लाल रंग के वस्त्र पहन करके आप ये उपाय करें। दोस्तों, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी शादी विवाह या जो भी आपकी दिक्कतें आ रही है मैरिड लाइफ में भी, वो सभी इससे दूर हो जाता है। अगर आपके पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज़्यादा भी हो रहा है दोस्तों, तो वशीकरण कर सकते हैं आप। इलायची के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वशीकरण होता है। अगर पति का पत्नी के प्रति प्यार कम हो गया है तो श्री कृष्ण का स्मरण करके शुक्रवार के दिन तीन इलायची अपने बदन से स्पर्श करके पल्लू में या रुमाल में बांधकर अपने पास रख लें। ये औरतों को करना ये काम। शनिवार को सुबह सुबह वो इलायची पीस करके किसी भी व्यंजन में, चाहे आप चाय में पिला दें, चाहे आप किसी खाने में उनको मिला के खिला दें, वो आपको अपने पति को खिला देना है। ऐसा आपको लगातार तीन शुक्रवार को करना है। आप देखेंगे तीन हफ्तों में आपके पति आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर इन केस आप शुक्रवार को मिस कर गए या फ्राइडे को आप किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप ये उपाय को संडे को भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, स्टूडेंट्स हैं, कमज़ोर हैं, तो आपको शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन आपको ये उपाय करना है। शाम को सूर्य अस्त जब होता है उसके ठीक आधे घंटे पहले बरगद का पत्ता ले लें, पांच अलग अलग प्रकार की मिठाई रख लें उसके ऊपर और दो छोटी इलायची रख लें। अब इस बरगद के पेड़ के पत्ते और मिठाई वगैरह सब इलायची को पीपल के पेड़ के नीचे आपको श्रद्धा के भाव से रखना है। अपनी शिक्षा के प्रति, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या कोई भी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप खुद करें। अगर बच्चे छोटे हैं, पेरेंट्स करना चाहते हैं, तो ये उनका नाम लेकर के पेरेंट्स कर सकते हैं। बच्चे की शिक्षा की कामना करते हुए या जो भी स्टूडेंट है उनकी शिक्षा की कामना करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे इसको रख देना है और घर आते समय भूल से भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, बच्चे के लिए करें, कोई और भी कर सकता है ये, लेकिन क्रम बराबर रखें और अगर छूट जाता है तो दोबारा से शुरू करें।
दोस्तों 3 बृहस्पतिवार आपको ये उपाय करना है, आप देखेंगे कैसे पढ़ाई में अच्छे नंबर तुरंत आने लगते हैं। इसके अलावा भी बच्चे को अगर एक छोटी इलायची को दूध में उबाल कर 7 सोमवार आप थोड़ा उसको प्रसाद देंगे और फिर बाकी का दूध किसी गरीब को पिला देंगे, तो माना जाता है इससे भी बच्चे की बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती है। दोस्तों घर में अगर दरिद्रता हद से ज़्यादा हो चुकी है तो आप किसी भी असहाय या हिंजड़े जो होते हैं उनको एक सिक्का दान करें और साथ में उन्हें हरी इलायची ज़रूर खिलाएं। ऐसा जब भी मौका मिले करते रहें। ये टोटका नहीं कर सकते हैं तो अगर आप धनवान बनना चाहते हैं दोस्तों तो आप अपने पर्स में 5 इलायची रख लें। माना जाता है आपके जीवन की सभी प्रकार की धन संबंधी दुविधाएं, जो भी मुसीबतें हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों बहुत सारे उपाय बताए हैं मैंने आपको, इलायची के अनंत टोटके हैं क्योंकि तांत्रिक उपाय बहुत स्ट्रांग होते हैं इलायची से। इलायची बहुत ही कम दाम की छोटी सी चीज़ और हर घर में आसानी से पाई जाने वाली चीज़ है, इसलिए इसके टोटके भी, तांत्रिक उपाय भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। कर लीजिए, मैंने छोटे छोटे बहुत सारे उपाय बताए। मंगलवार का शुभ दिन है, अगर कई सालों से आपके कोई काम अटके पड़े हैं तो आज एक इलायची आपको जला लेनी है और आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर से मुसीबतें, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी मुसीबत में है उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सावन का पवित्र महीना है, हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार हैं, शिव जी के 11वें अवतार हैं। मना लीजिए आज हनुमान जी को और देखिए दोस्तों किस प्रकार आपके जीवन के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आज ध्यान रखें, एक दिया हनुमान जी का ज़रूर जलाना है और दिए के सामने बैठकर एक हनुमान चालीसा ज़रूर करना है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, सब्सक्राइब करके रखें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की और जय हनुमान जी की।